हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेन क्लासेस। तो जीटेन क्लासेस के अंडर डिफरेंशिएशन विच कंस्टिट्यूट्स अ मेजर पोर्शन ऑफ अ मेजर यूनिट कैलकुलस। तो डिफरेंशिएशन में हम लोगों की शायद तीन पार्ट ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी है हमारे चैनल पे, जहाँ पे हम लोग इंट्रोड्यूस हुए थे कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। और फिर उसके बाद तो हम लोग उस रास्ते पे चलते चले गए कि डिफरेंशिएशन से रूबरू हुए कि हाँ होता क्या है डिफरेंशिएशन। कुछ बेसिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन देखा, उसके बाद हम लोगों ने देखा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन क्या होता है। उसके बाद हमने देखा कि अगर फंक्शन ऑफ सम अनदर फंक्शन दिया जाए तो कैसे डिफरेंशिएट होगा। फिर हम लोगों ने देखा प्रोडक्ट रूल, क्वोशेंट रूल, मतलब काफी कुछ हम लोग कवर कर चुके हैं, आधे से ज्यादा कवर हो चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो देख लिया था। अब ट्रिग्नोमेट्री है तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्यों पीछे रहेंगे। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में वही सेम छह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, उन्हीं छह का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनका डिफरेंशिएशन आपको करना है। तो मैंने पहले से फॉर्मूला नोट डाउन करके रख दिया है, जस्ट बिकॉज टाइम वेस्ट ना हो और हम डायरेक्टली उठाएं और इसको अप्लाई कर लें। तो कुछ छह फॉर्मूले हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू ओपन इंटरवल -1 to 1, व्हाई नॉट क्लोज, बिकॉज अगर क्लोज इंटरवल होगा तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। सिमिलर फॉर कॉस इनवर्स फिर टैन इनवर्स का 1/1 + x² फॉर ऑल रियल वैल्यूज वाई, क्योंकि एक्स टैन इनवर्स जो टैन थीटा फंक्शन होता है वो पूरा मतलब उसकी रेंज ऑल रियल नंबर्स होती है, दैट्स व्हाई यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कॉट इनवर्स का -1/1 + x², फिर सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स में सेम होता है कि सेक थीटा की जो रेंज होती है वो ऑल रियल नंबर्स होती है, बट यहाँ पे -1 + 1 इसलिए नहीं लेना है जस्ट बिकॉज डिनोमिनेटर हमारा जीरो हो जाएगा। जैसे ही हमारा ये था कि ऑल सी सारे सी फंक्शन का हम लोगों ने देखा था ना कि डिफरेंशिएशन जीरो होता है, सॉरी नेगेटिव होता है, तो उसी तरह से सारे सी का इनवर्स मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ ऑल द फंक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम सी, उसका भी डिफरेंशिएशन नेगेटिव ही होता है। कॉस इनवर्स का तो आप साइन का याद कर लीजिए, कॉस का उसका नेगेटिव, टैन का याद कर लीजिए, कॉट का उसका नेगेटिव, सेक का याद कर लीजिए, कोसेक का उसका नेगेटिव, पेयर वाइज याद कर लीजिए, तो आपको तीन ही याद करना पड़ेगा। ये दो बहुत रेयर केस में यूज होते हैं, रेयर केस में नहीं, मान लीजिए हो ही गया, बट जनरली आपको क्वेश्चन साइन टैन में ही मिलता है। तो जल्दी से हम लोग, आप पहले तो वीडियो को पॉज करिए, फॉर्मूला सारे नोट डाउन करिए एक जगह पे जहां पे भी आप सारे फॉर्मूलाज लिख रहे हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले तो आपसे ये नहीं बोलेगा कि आप साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करिए, आपसे बोला जाएगा कि आप मतलब कुछ और दे देगा अंदर, जैसे फंक्शन ऑफ फंक्शन मतलब होता है ना कि वो f(g)x का फॉर्म में था। तो मान लीजिए आपसे सबसे पहले बोला कि फाइंड d/dx ऑफ साइन इनवर्स x² राइट, वेरी सिंपल, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 - x², तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/√1 - x² का होल स्क्वायर, और फिर फंक्शन ऑफ फंक्शन है तो d/dx ऑफ x², तो कुल मिला के आपका आंसर क्या हो गया 2x/√1 - x^4। खत्म काम, फॉर्मूला वही लगना है, डिफरेंशिएशन में कहानी आ जाती है फॉर्मूले पे, बस वही है कि dx/dx तक आपको पहुंचना है, फंक्शन ऑफ फंक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है। इन दैट केस हो सकता है आपको कुछ ऐसे दे दे। अब जितनी चीजें आप पीछे पढ़ चुके हैं आपको सब यूज करना है। मान लीजिए आपको कहीं ये दे दिया टैन इनवर्स एक्स ई की पार एक्स। अब यहाँ पे ठीक है टैन इनवर्स एक्स का तो लगेगा ही लगेगा फॉर्मूला, बट अलॉन्ग विद दैट जो एक्स है, जो थीटा है, मतलब जो यहाँ पे चीज आ रही है, जो आर्ग्यूमेंट आ रहा है वो क्या है, वहां पे जब उसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वहां पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। कैसा, मतलब ये क्या हो जाएगा 1/1 + xe x² into d/dx ऑफ एक्स इंटू ई की पावर एक्स। कोई दिक्कत नहीं है, वहां प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, एक्सपोनेंशियल डीट फंक्शन वही रहना ही है, प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, मतलब dx/dx 1 हो गया, नीचे आगे 1 + xe x² खत्म। मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, बस आपको फॉर्मूला आना चाहिए और आपको अपना मेन एम पता होना चाहिए कि हमें फंक्शन के अंदर तक जाते जाते वहां तक डिफरेंशिएट करना है जहां पे e की जहां पे dx/dx का टर्म ना आ जाए। ठीक है, तो पहले तो आप
साथ साथ ही करिए, मेरी तो यही रिकमेंडेशन होगी कि आप बार बार वीडियो को पॉज मत कर करके क्वेश्चन नोट करिए, साथ साथ ही करते जाइए। हाँ, अगर फ्रीक्वेंसी हमारी मैच नहीं हो पा रही है, हमारी स्पीड मैच नहीं हो पा रही है, तो आपको पॉज करना पड़ सकता है। हो सकता है कुछ क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाए कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर ई की पार एक्स टैन इनवर्स लॉग एक्स, मतलब इतना तक दिया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। क्यों? क्योंकि तीन फंक्शन है, एक एक्स स्क्वायर है, एक ई टू द पावर एक्स है, और एक टैन इनवर्स है जिसके अंदर भी फंक्शन है। कोई बात नहीं, हम लोग किन्हीं दो को, किसी दो को एक फंक्शन मान लेंगे, क्योंकि हमको तो भैया यू इंटू वी के फॉर्म में ही पता है, तो हमको तो भाई मानना ही पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एकदम स्टेप बाय स्टेप करते हैं, इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। ठीक है, प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, कितना होगा? एकदम स्टेप बाय स्टेप, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स, टैन इनवर्स थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? टैन इनवर्स एक्स का होता है 1/1 + x², तो मतलब ये हो जाएगा 1/1 log x² फिर से मैं वही रिपीट करूंगी कि लॉग एक्स का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर। अगर आपको लॉग की प्रॉपर्टी में कोई भी दिक्कत हो, जस्ट लेट अस नो कमेंट सेक्शन में, हम आपकी वो प्रॉब्लम रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश हमारी रहेगी। कोशिश क्या, गारंटी है कि रिजॉल्व हो जाएगी। उसके बाद लॉग एक्स का करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, जाहिर सी बातें करना पड़ेगा क्योंकि फंक्शन के अंदर फंक्शन है, प्लस सेकेंड वाला है हमारा टैन इनवर्स लॉग एक्स। और उसके बाद जब इसका करेंगे तो यहाँ पे वापस से लगेगा हमारा प्रोडक्ट रूल, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस डिफरेंस सेकेंड फंक्शन, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। ठीक है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, एक्स से एक्स कट जाएगा, हो जाएगा एक्स ई टू द पावर एक्स 1 + log x² प्लस, इसमें से हम ई टू द पावर एक्स कॉमन ले सकते हैं, अंदर बचेगा x² + 2x इंटू टैन इनवर्स लॉग एक्स, खत्म। अब और सिंप्लीफाई करना है, e की पावर एक्स कॉमन ले लीजिए, इनमें से एक्स कॉमन ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, मतलब वो तो आपके ऊपर है। एक आपको पता चल गया ना कि आएगा क्या, उसके बाद तो सिंप्लीफाई करने का कोई अंत ही नहीं है, आप कुछ भी करते जाइए, बट हाँ थोड़ा सा सिंप्लीफाइड आंसर लिखिएगा जस्ट टू स्कोर गुड मार्क्स। तो ट्रिग्नोमेट्री में, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कुछ ऐसे ही चीजें आपको मिलेंगी। कभी कभी कुछ ऐसा एक चीज, एक तरह के क्वेश्चंस और मिलते हैं, वो भी हम लोग देख लेते हैं ताकि आपका कुछ मिस ना हो। तो क्वेश्चन है हमारा कि fx दिया हुआ है हमें, x tan इनवर्स x, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट यू हैव टू फाइंड, यू डोंट हैव टू फाइंड d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, यू हैव टू फाइंड f′√3, मतलब एक नोटेशन आपको बताया जा रहा है f′√3। सबसे पहले f डैश का मतलब क्या होता है, जो ये लिखते हैं ना d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, इट इज नथिंग बट इक्वल टू f′x और f′x, मतलब एक बार डिफरेंशिएट किया तो f′x आया, दो बार करेंगे तो अब f′ आएगा, कुछ ऐसा। तो हमको f′√3 चाहिए, मतलब एक बार डिफरेंशिएट तो करेंगे ही करेंगे, तो f′x आ जाएगा, और फिर उसके बाद x की जगह पर उठा के √3 रख देंगे। तो f′x क्या होगा हमारा, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टैन इनवर्स एक्स। ठीक है, प्रोडक्ट रूल सिंपल, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। अच्छा हाँ, एक और चीज, आपको साइड बाय साइड फॉर्मूला लिखना पड़ेगा बोर्ड एग्जाम्स में, कि यूजिंग d बाई डी एक्स ऑफ टैन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/1 + x², ऐसा आपको लिखना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा अट्रैक्टिव होता है, आपकी कॉपी भी अच्छी लगेगी। टैन इनवर्स एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ये क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन 1 + x² प्लस टैन इनवर्स एक्स, ये आ गया आपका f′x। फाइन, अब आपको क्या निकालना है, f′√3, तो x की जगह √3 रख देंगे, 1/1 = 4 + टैन इनवर्स √3। टैन इनवर्स √3 कितने पे आता है, √3 कितने पे आता है, टैन 60, तो टैन इनवर्स टैन 60, टैन इनवर्स टैन एक दूसरे को कंपेंसेट कर देंगे, और ये हो जाएगा आपका प्लस पाई बाय थ्री।
एंगल 69 लिख दीजिएगा, 60 नहीं लिखते, रेडियन में लिखते हैं हम लोग चीजों को, ठीक है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, होप्सो कि आपको ये समझ में आया होगा। अब अकॉर्डिंग टू द रिड्यूस सिलेबस ऑफ सीबीएसई, अब रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा क्या बचता है, हमारा बचता है पैरामेट्रिक फॉर्म और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, इतना हम लोग का ये दो चीज बचता है। पर अगर आप किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां पे एक इम्प्लिसिट फंक्शन भी काफी ज्यादा मतलब एक अहम रोल रखता है। तो अगर अभी तो हम लोग रिड्यूस सिलेबस पे चल रहे हैं, तो पैरामेट्रिक पढ़ेंगे, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ेंगे, तो आने वाले दो लेक्चर्स में ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द रिड्यूस सिलेबस ड्यू टू दिस पैंडमिक। तो उसके बाद अगर आपको इम्प्लिसिट की जरूरत होगी या किसी और चीज की जरूरत होगी तो जस्ट लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, हम लोग वो भी वीडियो अपलोड कर देंगे, क्योंकि हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले तो सिलेबस में था ही, पर इस कोरोना के चक्कर में सिलेबस काफी रिड्यूस हुआ है, जिससे कि आप लोगों की लॉटरी लग गई है। तो होप सो कि आपको ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन समझ में आया होगा। कुछ है नहीं, तीन फॉर्मूले हैं, तीन उसके नेगेटिव हैं, क्योंकि सारे सी के क्या आते हैं, नेगेटिव आते हैं। क्वेश्चन भी हम लोगों ने काम भर के देख ही लिए हैं, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप क्वेश्चन करिए और आने वाले दो लेक्चर्स का वेट करिए, ताकि आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए और हम लोग जल्दी से स्विच कर सके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स तक। अगर वीडियो पसंद आई हो, क्वेश्चन करने का तरीका समझ में आया हो, तो जस्ट प्लीज हिट द लाइक बटन, और अगर किसी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, आपको लगता है कि हम इम्प्रूव ऑन कर सकते हैं, और तो वो भी कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपकी उम्मीदों पर उतर सके। सो जस्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ गुड डे।